Hello friends, this is Sunil from Ads Optimizer. Friends, today we are going to talk about sitemap. If you are new in SEO, so definitely this video is very important for you. If you are a mediator, so you are definitely you should watch this video, because sitemap in SEO, this is very good for your website, and especially as we are talking about website is not indexing. So in that scenario, sitemap role is very important for website, and as a SEO person, definitely you should have knowledge about sitemap. So friends, आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि sitemap क्या होता है, sitemap क्यों required है, एंड ये कैसे हम एड ऑन करते हैं. तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहले मेरा कंसर्न था कि साइट मैप क्या होता है, सो सिंपली हम पहले एक यूनिवर्सल जो क्वेश्चंस है हम वो रीड आउट करते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं. सो सिंपली मैं गूगल ओपन कर रहा हूँ एंड वहां पे मैंने सर्च किया व्हाट इज साइट मैप इन एसईओ. तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट आंसर है वो देखिए, a sitemap is a file where you provide information about the pages, video and other files on your site. Friends, simply major definition bata raha hu, ye bahut hi aasan hai. Sitemap is a file from where you are adding all connecting pages. So anyone can click on that link and can redirect to the dedicated page. और crawlers अगर आपके साइट मैप पे विजिट करते हैं, तो सिंपली उनको एक ही पेज पे सारे इंटरनल लिंक्स मिल जाए, ताकि इजिली उनको जहां भी विजिट करना है वो विजिट कर जाए. सो फ्रेंड्स, साइट मैप इज अ फाइल वेयर वी आर एडिंग ऑल कनेक्टिंग पेजेस, वीडियो एंड अदर थिंग्स टूगेदर, सो एनीवेयर कैन मूव डायरेक्टली टू दैट dedicated page. This is the definition of sitemap. Second, जो concern है वो है हम लोग sitemap को SEO में क्यों use करते हैं. Friends, अगर आप sitemap use नहीं करते हो, so friends, आप बहुत ही गलत कर रहे हैं. अगर कोई SEO beginner है या mediator है, अगर उनके mind में concern है कि मेरा website तो index नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स इंडेक्स नहीं हो रहा, इसका मतलब आपको साइट मैप पे काम करने की जरूरत है. आपको 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 अपनी वेबसाइट में साइट मैप ऐड करने की जरूरत है, और इवन की आपको गूगल सर्च कंसोल में भी जाके आपको साइट मैप ऐड करने की जरूरत है. अगर आप एक काम कर रहे हो तो आपकी वेबसाइट डेफिनेटली, मैं दावा करता हूँ कि डेफिनेटली आपका साइट इंडेक्स होगा, और इंडेक्स होगी तो रैंकिंग आएगी आएगी. तो फ्रेंड्स ये था मेजर पॉइंट. एंड थर्ड जो कंसर्न है वो है हम साइट मैप को जनरेट कैसे करते हैं. फ्रेंड्स, साइट मैप को हम दो तरीके से जनरेट करते हैं, एक होता है एचटीएमएल साइट मैप एंड सेकंड होता है एक्सएमएल साइट मैप. मैं पहले एक्सएमएल साइट मैप की बात करता हूँ. अगर आपको एक्सएमएल साइट मैप जनरेट करना है, तो सिंपली आप गूगल ओपन करें. गूगल में ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सर्च करें साइट मैप जनरेटर. जैसे आप एंटर करेंगे, सो बहुत सारी वेबसाइट ओपन हो जाती है. आप किसी एक वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं. मैं फर्स्ट को ओपन करता हूँ, एंड यहाँ पे आपको जिस वेबसाइट का आपको साइट मैप जनरेट करना है, आप वो यहाँ पे एंटर करें. सो सिंपली मैं हमारी जो कंपनी की वेबसाइट है मैं उसे ओपन करता हूँ, दैट इज एड्स ऑप्टिमाइजर डॉट कॉम. मैं इसे ओपन करता हूँ एंड सिंपली मैंने इसे एंटर किया एंड स्टार्ट. तो फ्रेंड्स, नॉर्मली ये 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है, देन ये जनरेट कर देगा, एंड जनरेट करने के बाद से इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं. फ्रेंड्स, ये जनरेट नहीं हुआ क्योंकि मे बी मुझे लगता है डोमेन एक्सपायर हो गया, तो मुझे बताना पड़ेगा. मैं किसी और वेबसाइट को ले लेता हूँ. डेस्टिनी सेटिंग्स मैंने कॉपी कर लिया, एंड कॉपी करने के बाद मैं इसे पैक करता हूँ एंड इसे अगेन ओपन करता हूँ
ओपन करने बस सिंपली आप यहाँ पे एंटर करिए और स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। नॉर्मली इट विल टेक 30 सेकेंड डिपेंड ऑन वेबसाइट, अगर अगर वेबसाइट ज्यादा बड़ा है, ज्यादा इंटरनल पेजेस है तो इसमें ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो फ्रेंड्स ये है आपका साइट मैप आपको जनरेट करना, XML साइट मैप जनरेट करना। फ्रेंड्स लिखा हुआ भी है XML साइट मैप जनरेट करना। तो यहाँ तो ये जो वेबसाइट्स अवेलेबल होते हैं इनके थ्रू आप XML साइट मैप जनरेट कर सकते हैं। एंड जो सेकेंड में बात कर रहा था HTML साइट मैप, पहले मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल, तब तक उसे होने दीजिए। HTML, तो फ्रेंड्स ये है HTML साइट मैप। तो मेनली ये डिजाइन करते हैं हम लोग, जो भी इंटरनल पेजेस होते हैं उनको हम एक पेज पे डिजाइन करते हैं एंड इजिली एंड यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो वो वहां पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये जो HTML साइट मैप है ये आपको अपने डिजाइनर से बोल के आपको डिजाइन करवाना पड़ेगा तो ही ये डिजाइन हो सकता है। अदरवाइज आप अगर आप डिजाइनर है डेवलपर है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अपने डिजाइनर डेवलपर से बोलना पड़ेगा। एंड ये जो है XML जो साइट मैप है वो आप जनरेट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी है। आपने देखा सिर्फ आपको एंटर करना है एंड क्लिक करना है, देन वो सारा काम खुद ही कर देगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसमें बहुत सारे इंटरनल पेजेस है इसलिए टाइम लग रहा है। तो फ्रेंड्स अभी हमने जो हमारे 3 कंसर्न थे एक बार यहाँ पे अगेन मैं टाइप कर देता हूँ ताकि इजी हो जाएगा। पहला कंसर्न था व्हाट इज साइट मैप, सेकंड आपका है व्हाट आर द एडवांटेजेस, थर्ड था व्हाट आर द स्टेप्स टू जनरेट साइट मैप। तो फ्रेंड्स ये हमारे कंसर्न थे एंड इसके बाद जो हमारा जो कंसर्न है वो कंसर्न है कि हम इसे अपलोड कैसे करें। फ्रेंड्स अपलोड करने के लिए मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, अपलोड करने का जो तरीका होता है, लाइक अपलोड करने का मतलब है कि ये साइट मैप कहाँ दिखेगा, कैसे ये आपके वेबसाइट पे आएगा। तो फ्रेंड्स जो XML साइट मैप होते हैं मेनली जो XML जो साइट मैप होते हैं वो वेबसाइट के रूट फोल्डर में अपलोड करने होते हैं। रूट फोल्डर का फ्रेंड्स मतलब होता है अगर आप डेवलपर हैं तो वन गो में ही आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप डेवलपर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वेबसाइट जिस होस्टिंग में होस्ट होती है उसे लॉग इन करने के बाद से जो फोल्डर होता है उस फोल्डर में जाके ये आपको अपलोड करनी होती है। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, इफ यू लाइक आवर वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टेक केयर, बाय।